धन्यवाद। मैं अभिनेता डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का आभारी हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और अभिनंदन है जी। भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत ऐसे हुई कि सुरेंद्र पाल सिंह, जिन्हें आप सभी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं, वो एक फिल्म बना रहे थे, ए भौजी के सिस्टर, जिसमें मनोज तिवारी साहब हीरो थे। तो सुरेंद्र जी का आदेश हुआ मुझे कि मैं उस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाऊं, और मैंने वो काम किया और मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। और उस अवार्ड के जो संयोजक थे, जो कर्ता धर्ता थे, विनोद गुप्ता जी, उनसे वहाँ परिचय हुआ जब उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तब से समझिए विनोद गुप्ता जी एकदम फैमिली जैसे हो गए, और मुझे लगा जैसे मेरा छोटा भाई मिल गया हो। और अभी पिछली दो फिल्में बनाई हैं इन्होंने, एक आन बान शान है, दत्तक पुत्र, और उनका आदेश था कि भैया आप मेरी दोनों फिल्मों में काम कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूँगा। और विनोद जी से इस तरह का संबंध है कि मैं उन्हें ना नहीं कह पाता, और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत बड़े निर्माता बने और ढेर सारी सार्थक फिल्मों का निर्माण करें। साफ सुथरी फिल्म बनाते हैं जिसे आप परिवार के साथ देख सकते हैं। तो आन बान शान को भी आपने पसंद किया, और मेरा अनुरोध है कि आप दत्तक पुत्र को भी उतना ही प्यार दें। यश कुमार इसके हीरो हैं, और मैं इसमें एक जज की भूमिका निभा रहा हूँ जो हीरोइन का पिता भी है। बाकी कहानी की डिटेल नहीं बताऊँगा, वरना आपको फिल्म देखने में आनंद नहीं आएगा। तो विनोद गुप्ता जी की बात की जाए, जो कि विगत 17-18 सालों से भोजपुरी सिनेमा में एक अहम योगदान देते हैं जी, जी, अवार्ड के माध्यम से जो है भोजपुरी को जो है देश विदेश तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल साहब, मैं ये कहूँगा कि विनोद गुप्ता ने अकेले अपने दम पर ये शुरुआत की कि भोजपुरी के कलाकारों को, टेक्नीशियंस को सम्मान दिया जाए, और उसमें जो उत्कृष्ट लोग हैं उन्हें इस मंच पर बुला के सम्मानित किया जाए, अवार्ड दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा काम था, और अब तो उनकी देखा देखी बहुत सारे अवार्ड आजकल आ गए हैं। मैं किसी का नाम लेना बेहतर नहीं समझता, लेकिन ओरिजिनल जो शुरुआत की थी प्रारंभ में, वो विनोद गुप्ता जी ही हैं, और उनका कोई जवाब नहीं, मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ जी। प्रमोद शास्त्री एक बहुत ही गुणी निर्देशक हैं, और तकनीकी रूप से बहुत ही समृद्ध हैं, और एक्टरों को समझते हैं। यदि उनसे कुछ कहा जाता है तो वो उसका सम्मान करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करने की पूरी छूट देते हैं। और प्रमोद शास्त्री जी के साथ काम किए, मैं उनके साथ दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, आन बान शान पहली फिल्म की थी उनके साथ, और ये मैं उनके साथ दूसरी कर रहा हूँ, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आनंद आ रहा है उनके साथ काम करना, गर्व की अनुभूति देता है। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि प्रमोद शास्त्री जी ऐसे ही प्रगति करते रहें और मेरे लिए चुनौतीपूर्ण भूमिकाएँ निकालते रहें, क्योंकि मैं नॉर्मली खलनायक की भूमिकाएँ निभाता हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि भैया इस बार आप पॉजिटिव रोल कीजिए। तो मैं इस फिल्म में, ये चलिए देखिए मैंने राज खोल दिया कि मैं इस फिल्म में एक पॉजिटिव भूमिका में हूँ, और मैं आप मुझे इसमें विलन नहीं देखेंगे। तो कैसा है वो आप प्यार देंगे तो पता चलेगा। अपने फैंस और ऑडियंस से बताना चाहेंगे सर कि और क्या क्या प्रोजेक्ट आपके आने वाले हैं? बिल्कुल साहब, अभी मेरा एक फिल्म है, ये है मेरा वतन, हिंदी फिल्म है, वो उसकी शूटिंग कम्प्लीट हो गई है। अभी पीछे आने से पहले उसका पोस्टर और टी शर्ट वगैरह लॉन्च हुई है, वो देखिए जैसे ही उसके सब एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो रिलीज़ होगी। और भी कुछ फिल्में हैं जिनका अभी कुछ मैं नाम नहीं बता सकता आपको, क्योंकि नाम उसका अभी ठीक से रखा नहीं उन्होंने। प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ वेब सीरीज़ हैं जो मैंने साइन की हुई हैं, तो बम्बई वापस लौट के मुझे उन सब की शूटिंग में लगना है। तो जल्द ही आप कुछ फिल्में और वेब सीरीज़ देखेंगे मेरी।